देवी वर्मा ने कहा था कि विस्तृत दब का कोई कोना कभी न मेरा अपना होगा, लेकिन आज की नारी तो सगर्व कह सकती है कि विस्तृत नव का कोना कोना तो मेरा अपना होगा, मेरा अपना होगा। एक महिला दूसरी महिला का हाथ पकड़कर उसे आगे की तरफ ले जाए ना, वही सही मायनों में वुमन एम्पावरमेंट होता है। हाय हेलो नमस्कार, मी पल्लवी, माझे चॅनल मध्ये तुमचं खूप 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 स्वागत। आज मी आले चर्चगेटला, SNTD कॉलेज मध्ये मी जाणार आहे आणि तिथे आहे महिलांचं जागृत महिलांचं महासंमेलन आणि ते भरलंय। आता वेळ आमची आहे 4:30 ते 4, सो मी, मला इन्व्हिटेशन आहे त्यामुळे मी जाते आहे तिथे। बघूया तिथे वेगवेगळ्या फील्डमधल्या महिला येणार आहेत आणि त्यांचं मनोगत व्यक्त करणार आहे किंवा गहिरी राहूनही तुम्ही काय काय करू शकता, महिलांनी कसं मोठं झालं पाहिजे किंवा कसे स्वतःमध्ये बदल आणले पाहिजे याबद्दल काही लेक्चर्स होती। सो चला अटेंड करूया जागृत महिलांचं महासंमेलन, चला। त्याच्यावरती फक्त नाव लिहा तुम्ही, अच्छा, पाठी 3 कुपन से तेजस्वी आणि मग गळ्यात घालूनच जा तुम्ही। ओके ठीक आहे। सो हे बघा, हा पूर्णपणे हॉल आहे आणि हा आता पूर्ण थोड्या वेळात भरेलच, काही महिला येऊन बसलेल्या आहेत। सी वरती स्टेज आहे, तेजस्विनी अंगण से गगन तक, खास महिलांसाठी हा प्रोग्राम आहे। तो आपण आपली जागा घेऊया आणि बसूया, चला। ठाकर सी महिला विद्यापीठ में सितंबर 2021 से कुलगुरु के पद पर वो कार्यरत है। मुंबई के सुगुन मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में संचालक के तौर पर वो कार्यरत है। वो मातृशक्ति की महाराष्ट्र और गोवा राज्य की संयोजिका है। क्षेत्र में महिला श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने का जो उद्देश्य है, उस उद्देश्य से वो कार्यरत है। डॉक्टर प्रतिभा दहीपोत्रे, डॉक्टर प्रतिभा दहीपोत्रे से मैं विनती करूंगी कि आज के जो उद्घाटक है अनुराधा दहीपोत्रे, उनका आप स्वागत कीजिए। वीरमाता अनुराधा ताई गोरे 1975 से 2003 तक पार्लेटियक हाई स्कूल में वो शिक्षिका रही है। 2003 से 2007 तक राजा रामदेव पोद्दार स्कूल में वो मुख्याध्यापिका थी। उसके बाद पोद्दार स्कूल में ही समन्वयक के पद पर कार्यरत थी। इस दौरान छात्रों को विविध उपक्रम उन्होंने छात्रों के लिए शुरू किए। आज के और एक प्रमुख वक्ता है निर्मला ताई तथा उर्मिला ताई आपटे। गणित में उन्होंने MSc डिग्री हासिल की है और गणित की लेक्चरर के तौर पर वो कार्यरत थी। दादर के पीपल्स एजुकेशन सोसाइटी की वो विश्वस्त एवं चेयरपर्सन है। स्वागत करें। हाल ही में सेंट्रल गवर्नमेंट ने उन्हें पद्मश्री पुरस्कार जाहिर किया है। मैं उनके कार्य के बारे में आई टेल यू इन शॉर्ट, ही हैज़ रीच्ड मलखाम इन 52 कंट्रीज। ही इज द फाउंडर डायरेक्टर एंड सेक्रेटरी ऑफ विश्व मलखाम फेडरेशन विच हैज़ कंडक्टेड 2 इंटरनेशनल मलखाम चैंपियनशिप्स। He is also given lot of technical support to form Malkham Federations of America, Nepal, Japan, Malaysia, and many Malkham Federations are now in the pipeline. More than 5,000 demonstrations in the country, outside the country. He is the one who played a pioneering role in getting Malkham recognized by Government of India, the Indian Olympic Association and also the Railway Mantralaya, which has resulted in a big boost to the Malkham players. Retired as a deputy commissioner, so he had one role and his passion was sport, and therefore
मोर देन 50 इयर्स ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन टू द स्पोर्ट्स मलखांब टेकिंग इट टू द वर्ल्ड एंड कंप्लीटली ऑनररी कोचिंग इन मलखांब. सम्मेलन होंगे ऐसा तय हुआ था. इसी के तहत कोकण प्रांत परड़ विभाग का सम्मेलन आज संपन्न हो रहा है और इसमें आप सभी महिलाएं निमंत्रित थी और आप बड़ी संख्या में उपस्थित है, इसका मुझे आनंद है. अभी तक पूरे देश भर में 387 सम्मेलन पार हुए हैं और उसमें संख्या महिलाओं की जो थी वो कुल मिलाकर 477,420 ऐसे थे. सभी के मन में एक सवाल जरूर होगा कि ये सम्मेलन क्यों लिए जा रहे हैं, इसका उद्देश्य क्या है. तो थोड़ा इसके बारे में बताना चाहूँगी कि हमारे भारतीय चिंतन में महिलाओं के विषय में बहुत विचार किया है, लेकिन ये विचार हमारे तक सामान्य महिलाओं तक पहुंचा नहीं है. ये घर के बाहर का भी जो फैमिली रिलेटेड काम है वो सब करती है, लेकिन ये कार्य वही तक सीमित न रहे. उनका उनकी क्षमता राष्ट्र निर्माण में, समाज निर्माण में उसका उपयोग हो, इसीलिए ये सम्मेलन हम सभी सभी जगह पर ये सम्मेलन का आयोजन किया है. जरूरी है क्योंकि आज आधी जनसंख्या महिलाओं की है, तो महिलाओं के सहभागिता के बिना हमारे भारत का, भारत की उन्नति या राष्ट्र की प्रगति असंभव है. और आज इसी विषयों पर हमारे आदरणीय वक्ता हमें संबोधित करेंगे और हमारे वक्ताओं ने दिए हुए विचार तथा करणीय कार्य को लेकर हम इस सम्मेलन से जाएंगे. सारा नारी शक्ति उसका दर्शन मुझे मिले, आपको सबको मिलकर मुझे बहुत खुशी हो रही है. आज जैसे प्रास्ताविक में बोल दिया कि राष्ट्र निर्माण का ये टाइम है, तो क्रांति के समय हम जन्मे हैं ये बहुत महत्वपूर्ण होता है. महाभारत काल से लेके स्वतंत्रता तक, और तभी मुझे लगा कि हमारा जो गलत फहमी थी हमारी कि भारतीय महिलाएं नहीं, उमरठा उलटायचा नहीं, स्कूल में जाना नहीं, हाँ घर में बैठ के पढ़ सकते हैं. बहुत सारी विद्वान लेडी थी जो गार्गी मैत्रेयी और सीता, उनके बारे में मैं नहीं बोल रही हूँ. मैं बोल रही हूँ ऐसे लेडीज भारत में हो गई, उन्होंने अपना राज्य स्थापित किया, उनके नाम पे कॉइन थे. राज्य शास्त्र, युद्ध शास्त्र, इसमें वो प्रवीण थी. हाथ में तलवार लेके उन्होंने शत्रु को पराजित किया है. जग में पहली रानी यशोवती, she was from काश्मीर. At the same time there was अली रानी, वो दक्षिण कन्याकुमारी में थी. सेम टाइम. और वो जो अली रानी है, महायुद्ध तो आपको सबको पता है, अर्जुन को हराने वाली है अली रानी है. और यशोवती was the only queen, she did not take part in महाभारत वॉर. She has her own choice, own decision. उसके बाद हम आते हैं, सारे नाम तो नहीं गिन पाऊंगी क्योंकि मैंने 143 लेडी वॉरियर्स इकट्ठा की है. उसके बारे में हम आ गए थे. ग्रीक उनके खिलाफ लड़ने वाला कोई था? यस, देयर वर लेडीज. तुर्क, हाँ. अफगान, हाँ. मुगल, हाँ. मोहम्मद घोरी का नाम तो सब सुनते हैं, उसको हराने वाली है नायिका देवी. उसकी जो लड़की है उसने कुतुबुद्दीन को पराजित किया है. संख्या में यहाँ पर आए हैं, पाया कि मेरा उद्देश्य जीवन का ये चलता रहेगा. मैं महिलाओं को पढ़ाऊंगी, महिलाओं के लिए करूंगी. महिलाओं के विद्यापीठ में भी थी पहले, उस समय मैं महिलाओं के कॉलेज में पढ़ाती थी. उनके संघर्ष, उनके जीवन, उनको उनको उनका काउंसलिंग, ये मेरा काम रोज का चल ही रहा था. पर अंदर तक, गहरे तक मुझे लगा कि मैंने आजीवन टेम्पल आर्किटेक्चर की पढ़ाई करनी चाहिए. ये मैंने उस समय उस मोमेंट में तय किया और आज तक वो जारी रखा, इररिस्पेक्टिव ऑफ व्हाट हैपेंस अराउंड. तो जैसे ताई ने अभी बताया कि वो हर हफ्ते
एक वीडियो एक कहानी आप तक पहुंचाने का प्रयास करती है, तो मैं मेरी तरफ से एक टेंपल के बारे में छोटी सी कथाएं लोगों तक पहुंचाने का हर हफ्ते कितनी भी व्यस्तता हो ये करती हूँ। कोई पूछे क्या मिलता है, काम तो बहुत है आपको, तो आप तो वाइस चांसलर हैं, यहाँ फाइल है वहां फाइल है, इमरजेंसी है, सब कुछ है। उस व्यस्तता में जब मैं ये काम करती हूँ तो पूरा रिलीफ ऑफ स्ट्रेस होते जाता है। उसने मुझे क्या दिया, ये पढ़ाई ने मुझे क्या दिया, ये मैं नहीं जानती, पर वो करने का ध्यास मुझे मेरे ये जो रोज के काम करने में प्रेरित करता है। सो सकाळी 10:30 हा आपला प्रोग्राम चालू झाला होता आणि त्यानंतर 12:30 एक 10 मिनिटाचा ब्रेक देण्यात आला होता। सो 10 मिनिटानंतर लगेचच पुढचा कार्यक्रम सुरू करण्यात आला। रियालिटी क्या है, वास्तव क्या है, अगर सदियों से चलता आया है तो हमने जन्म भी किस लिए लेना। भारतीय दर्शन या भारतीय फिलॉसफी, उसमें इसका सजीव सृष्टि और सृष्टि के जो रचयिता हैं उनके संबंध में यथार्थ स्पष्टीकरण दिया है। फिर भी स्त्री की कुछ गुण विशेषताएं पुरुष में भी पाई जाती हैं, वैसे ही पुरुष की भी स्त्री में पाई जाती है। हमें हर प्रकार के गुण होते हैं, स्त्री में कुछ गुण ज्यादा रहते हैं, पुरुष में कुछ गुण अलग प्रकार से ज्यादा रहते हैं। यानी कि पुरुष को डिफाइन करने के लिए ये गुणों की आवश्यकता नहीं है, शारीरिक गुण है उसमें से पुरुष और स्त्री डिफाइन होते हैं। यानी कि उनकी शारीरिक संरचना अलग है, क्षमताएं और कौशल विभिन्न है, प्रकृति द्वारा दिए गए काम भी दायित्व भी अलग अलग है, परंतु एक बीच के दो दल जिस प्रकार से परस्पर संबंधित और परस्पर अवलंबी होते हैं, एक दूसरे पर अवलंबित है, और एकत्रित आने से ही उनको प्राकृतिक संपूर्णता प्राप्त होती है। आता 1:30 आने बरोबर लंच टाइम झाला आणि जेवण तिथे ठेवलेलंच होतं त्यांनी आणि खूप सुंदर छान स्वादिष्ट जेवण होतं। तो महिला ह्या पहा पूर्णपणे महिला इथे जिथे जागा मिळेल तिथे बसल्या आणि त्यांनी आपलं जेवण घेतलं। खूप सुंदर जेवण होतं, प्रत्येकाने त्याचा आस्वाद घेतला। त्यानंतर जेवण झाल्यानंतर एक गटचर्चा करण्यात आली आणि त्यानंतर एक गीत गायन झालं आणि त्यानंतर लगेचच दुसऱ्या सत्राला सुरुवात झाली। सत्र है और इस सत्र का विषय है कि भारत के विकास में महिलाओं की भूमिका। अब मैं देख रही हूँ काफी महिलाओं से मेरी बातचीत भी हुई, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इतनी महान हस्तियां हैं, इनके सामने मैं क्या विषय करूं, क्योंकि आप स्वयं इस विकास की एक अंग है। जैसे अभी हमारे मंच पर भी पधारी हुई दोनों महान हस्तियां हैं, स्वाति ताई चौहान, मैं उनको पर्सनली जानती हूँ, किसी को लगता है मुझे पता है। हम आज भारत की बात करते हैं तो भारत निरंतर प्रगति के पथ पर बढ़ रहा है, नित नए नए कीर्तिमान गढ़ रहा है। आज धरती से लेकर अंबर तक सफलताओं की अनेक उड़ानें भर रहा है। हमने देखा कोरोना समय में जो वैश्विक बीमारी थी, संपूर्ण दुनिया ठप हो गई थी, बड़े बड़े जो आज प्रगतिशील देश कहते हैं उनकी गति रुक गई थी, बट ऐसी विकट परिस्थिति में भी भारत ने संपूर्ण विश्व को अपना लोहा मनवाया था। वो कोरोना वैक्सीन का तैयार करना हो, या आज हम गत वर्षों में कुछ देख रहे हैं कि अनेक जैसे चंद्रयान है, जैसे आदित्य एल्वन यान है, इनका प्रक्षेपण हो, और ऐसे सफलतापूर्वक गतिविधियों के कारण भारत की प्रतिभा प्रभाव का स्वीकार संपूर्ण विश्व ने किया है। माता यानी जो अपने मत अनुसार अपने बच्चों का अपने परिवार का मत परिवर्तन कर सकती है, और इसीलिए माँ का मत कैसा है, माँ के विचार कैसे है, ये भी बहुत जरूरी है।
वो भी जरा थोड़ी देर बैठ जाए, जाकर खड़ी हो जाओ और बोलिए ये संसार की सबसे खूबसूरत महिला है। सच्ची कहती हूँ, क्योंकि जब तक हम स्वयं अपनी प्रशंसा नहीं करेंगे बाहर वाला क्यों करेगा भला बताइए। और जिस दिन आप अपनी प्रशंसा स्वयं करोगे ना, उस दिन आप जब बाहर जाओगे ना, सब लोग आपसे एक ही सवाल पूछेंगे, आज कौन सा फेस पैक लगाया है। तो रोज पूछे ना आपसे ये बात। हाँ। तो अपने आप को क्या समझना है? खूबसूरत, सबसे खूबसूरत महिला। लेकिन खूबसूरती के साथ सबसे अच्छी महिला भी समझना है कि हमारा दिल सबसे अच्छा है, हम हमारे कल्याण के साथ साथ हम विश्व के कल्याण की भी मन में भावना रखते हैं। तो इस तरह से हमारी शुरुआत होनी चाहिए। मेरे को है ना हमेशा करीना कपूर की जब भी मैं पिक्चर हमने देखी है ना, हाँ। वो कहती है कि मैं अपने आप की फेवरेट हूँ और मैं भी अपने आप की फेवरेट हूँ। आप में से है कि नहीं सर? यस हो ना। बस तो अपने आप की फेवरेट बनकर रहिए। देखिए हम महिला के जीवन की आधार है ना तीन बातों पर होती है। सबसे पहली बात ये होती है कि हमें अपने अंदर छिपी प्रतिभा को पहचानना है और उसे बाहर निकालना है। दूसरा, हमारे पास 24 घंटे होते हैं, मैं कहती हूँ 22 घंटे परिवार को दो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ 2 घंटे अपने आप को दो, जहाँ सिर्फ आप हो और आपका शौक है। आपको नाचना है नाचिए, गाना है गाइए, खाना बनाना है खाना बनाइए, जो आपकी मर्जी आए करिए, लेकिन वहाँ और कोई नहीं होना चाहिए, स्वयं आप होनी चाहिए हो। तीसरी और सबसे बड़ी अहम बात है, घर के प्रत्येक व्यक्ति को इस बात का एहसास दिलाइए कि एक नारी को भी उसकी आवश्यकता होती है। क्योंकि हम ये भूल जाते हैं, अक्सर हम खाना बनाती हैं परिवार के लिए, लेकिन कभी आज तक हमने अपने आप के लिए अपनी पसंद का कोई भोजन बनाया? सच्चा कहना, हम क्या कहते हैं, नहीं ठीक है जिसका जो बना हम वही खा लेंगे। हमने कभी नहीं कहा कि मैं आज अपनी पसंद का भोजन बनाऊंगी और आप सबको ये खाना होगा। हमें कहीं घूमने जाना होता है, अच्छा पति को कहाँ जाना है, बच्चों को कहाँ जाना है, हमने कभी ये नहीं कहा कि आज मेरे एक जगह जाने का मन है, आप मेरे लिए चलिए, कभी कहा हमने? नहीं। लेकिन कहिए, क्योंकि जब तक हम नहीं कहेंगे सब क्या कहेंगे, ठीक है सब चलता है, एज ए ग्रांटेड हमको सब लेकर लेते हैं, लेकिन जब तक हम अपने मन के भाव नहीं कहेंगे तो कैसे चलेगा। तो हमें अपने मन के भाव कहने हैं, हमें अपनी पसंद का भी कुछ न कुछ करना है। और जब आप अपनी पसंद का करते हो ना, तो आप खुश रहते हो, आनंदित रहते हो, और जब आप आनंदित रहते हो तो आप पूरे परिवार में आनंद बांटते हो, समाज में आनंद बांटते हो, देश में आनंद बांटते हो। और ये बहुत जरूरी है कि एक महिला को भी खुश रहने का पूरा अधिकार है। कि वक्त बदला है और वक्त का मिजाज भी जागी है, हिम्मत और जागा है विश्वास भी, आज नहीं मैं अबला, आज नहीं मैं बेचारी, बदल चुकी हूँ खुद को, शक्ति है पहचान हमारी, शक्ति है पहचान हमारी। लेकिन क्या ये इतना आसान था? आसान नहीं था तोड़ना जंजीरों का, आसान नहीं था मन चाहा रास्ता अपनाना, आसान नहीं था आसमान अपना चुनना, पग पग पर बिखरे हुए थे कांटे, कहीं लहू लुहान हुई कहीं बात, तब जाकर पहचान सकी अपने भीतर की शक्ति को और तब पा सके अपने अस्तित्व को। अस्तित्व को ये सब आसान नहीं होता है। कभी महादेवी वर्मा ने कहा था कि विस्तृत दब का कोई कोना कभी न मेरा अपना होगा, लेकिन आज की नारी तो सगर्व कह सकती है कि विस्तृत दब का कोना कोना तो मेरा अपना होगा, मेरा अपना होगा। और हम लोग अक्सर बात करते हैं नारी वुमन एम्पावरमेंट की, लेकिन सही मायने में वुमन एम्पावरमेंट है क्या? सिंगल एक लाइन में मैं बता दूं, जब एक महिला दूसरी महिला का हाथ पकड़कर उसे आगे की तरफ ले जाए ना, वही सही मायनों में वुमन एम्पावरमेंट होता है। और आज यहाँ पर हम ये भारतीय शक्ति यही कार्य कर रही है कि हमें एक महिला को घर से उसकी प्रतिभा के साथ बाहर निकालना है और उसकी प्रतिभा को देश के लिए समाज के लिए कार्यशील बनाना है। यही सही मायनों में एम्पावरमेंट होता है कि आओ हम सब मिलकर एक नई चेतना जगाएं, अब हम सब मिलकर एक नई उड़ान भरे, भले पढ़ न हो हमारे पर हौसले हमारे बुलंद हैं, ठान लिया है मैंने मन में एक नया आसमां बनाना है, जहां न पहुंच सके रवि वहां भी मुझे जाना है, मेरा लक्ष्य हो चुका निर्धारित, अपनी राह की मैं स्वयं निर्मात्री, भला या बुरा किसी और पर कोई दोष नहीं, ये सब है मेरी अपनी जिम्मेदारी,
अब न सीता बनकर अग्नि पर चलना है, न अपने चरित्र का प्रमाण पत्र देना है। मेरा राम मेरा ही मन है, अब गर्भवती रानी को दर दर जंगल में अकेले नहीं भटकना है। अब पति के साथ साथ मैं अपने भी सारे सपनों को पूरा करूंगी, और किसी से कोई प्रतियोगिता नहीं है, लेकिन अपने व्यक्तित्व को मैं खुद करूंगी, और एक दिन जीत का सिकंदर बनकर सबको दिखलाऊंगी। खुद के साथ साथ परिवार का भी पूरा ध्यान रखूंगी, लेकिन पूरे हक और मान सम्मान के साथ खुद भी जीऊंगी। एक दिन हवाओं का रुख बदल दूंगी, मैं एक ऐसी नई उड़ान भरूंगी। आओ सखियां, आज सब मिलकर हम ये वादा करें, ये प्रण करें कि आए कितनी भी बाधाएं, आए कितनी भी कठिनाइयां, हम कभी हार न मानेंगे, एक दूजे का साथ निभाएंगे, एक दूजे का साथ निभाएंगे। तो हम सब मिलकर ये साथ निभाना है कि हवाओं से कह दो कि अपनी औकात में रहें, हम परों से नहीं हौसलों से उड़ा करती हैं, हौसलों से उड़ा करती हैं। यहाँ से आवाज आ रही है कि आप बंद करिए अपनी बात। मैं जैसे प्रतिभा जी ने कहा था आपको समापन में 15 मिनट दिया जाएगा, लेकिन इन्होंने 2 मिनट में समापन की बात कर दी। कोई बात नहीं, मैंने 2 मिनट में भी अपनी बात रख दी। जय हिंद, भारत माता की जय। सो अशा प्रकारे कार्यक्रम संपन्न झाला। खूप सुंदर कार्यक्रम होता, प्रत्येक महिलेने सहभाग घ्यावा असा हा कार्यक्रम होता। त्यानंतर आभार प्रदर्शन करण्यात आले। उन्होंने तो कल से हमारे साथ पूरा काम व्यवस्था का किया है, मैं उनका भी धन्यवाद करती हूँ। अब हमारी जो आवाज आप तक पहुँच रही है, या ऐसे तो नहीं पहुँचेगी, तो साउंड माइक जो संभाल रहे हैं वो देवेंद्र भाई, उनका भी मैं अभिनंदन, उनको भी मैं धन्यवाद देती हूँ। साथ में भोजन आप सभी ने किया है जो बहुत स्वादिष्ट था, तो भोजन की जो योगेश कैटर है उनको भी मैं, भगवती कैटर के जो योगेश भाई उनको भी मैं धन्यवाद देती हूँ। इसी के साथ पाटकर हॉल की जो मीना मैडम हैं, उनका सहभाग तो हमारे साथ देवन से था। काफी वे जितने भी मान्यवर आज उपस्थित हुए, अपना समय दे पाए इधर, उन सभी का धन्यवाद। और श्रोता बिना कोई काम नहीं होता है, तो सारे श्रोताओं का भी मैं दिल तहे दिल से धन्यवाद कहती हूँ। अशा प्रकारे तेजस्विनी जागृत महिलांचं महासंमेलन आता संपलेलं आहे, आणि खूप सुंदर हा कार्यक्रम झाला। अतिशय सुरुवातीपासून ज्या काही महिला आल्या, ज्या त्यांच्या उच्च पदावर होत्या, त्यांनी सुंदर त्यांचं एक भाषण दिलं। भाषणामध्ये ज्या काही महिलांसाठी ज्या चांगल्या गोष्टी आहेत त्या सांगितल्या। शिवाय त्यानंतर लंच झालं, लंच नंतर त्यानंतर लोढा मॅडम आल्या होत्या, त्यांनी त्यांच्या कवितेतून खूप सगळी महिलांसाठी ज्या काही जागृती करण्याच्या गोष्टी होत्या त्या त्यांच्या कवितेमार्फत सांगितल्या। अशा प्रकारे हा कार्यक्रम अतिशय सुंदर झाला। सो हा व्हिडिओ आवडल्यास प्लीज आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब करा, आणि व्हिडिओला लाईक करायला अजिबात विसरू नका। सो जाता जाता त्यांनी छोटासा एक नाश्ता ठेवलेला आहे, जो आहे चहा आणि वडापाव। सो चला, मग या कार्यक्रम आपली सांगता झालेली आहे।